नमस्कार छात्रों, मैं आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। छात्रों, आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के परिणाम के संबंध में लेटेस्ट जानकारी लेकर के आया हूं। छात्रों, यह परीक्षा जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 के मध्य संपन्न कराई थी, इस परीक्षा में लगभग 51,92,689 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 47,75,749 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। और लगभग जिन छात्रों ने इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए या परीक्षा में किसी कारण शामिल नहीं हुए, इन छात्रों की संख्या लगभग 4,16,940 है। अर्थात लगभग 4 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। छात्रों, इस परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य व प्रैक्टिकल परीक्षाएँ सभी कार्य सम्पन्न हो चुके हैं। नव भारत टाइम्स जो वेबसाइट है, इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लगभग इन सभी अवार्ड ब्लैंकों की, जो कि आपके मूल्यांकन की व प्रैक्टिकल्स की अवार्ड ब्लैंक्स जो होती हैं, हम लोग जो नंबर बना करके भेजते हैं, उनको अपलोड भी कर दिया है और लगभग रिजल्ट आपका बन करके तैयार हो गया है। छात्रों, इस रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहूँगा कि अभी कोई स्पष्ट न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, आपका रिजल्ट जहाँ तक है 7 से 8 जून के मध्य आने की प्रबल संभावना है। ये रिजल्ट आपको upmsp.edu.in रिजल्ट, इसी का दूसरा URL है छात्रों, इसी वेबसाइट का, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट का दूसरा URL है result.upmsp.edu.in। नेक्स्ट NIC का एक साइट है छात्रों, uprisultnic.in। इन तीनों साइटों पर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम छात्रों आपको दिखा भी देना चाहता हूँ कि कैसे आप रिजल्ट को देखेंगे। तो चलिए, MSP साइट पर देखने के लिए आप गूगल पर जाएं, वहाँ टाइप करें upmsp.edu.in। जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर लेंगे और इससे आपकी साइट खुल जाएगी, वहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। अगर इसी का दूसरा URL है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर लें result.upmsp.edu.in। इससे जो भी पहला लिंक आ जाए आप उस पर क्लिक कर लें, उसके माध्यम से भी अपनी परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं छात्रों। नेक्स्ट हम आपको एक लिंक बता दे रहा हूँ छात्रों, आप गूगल पर आप सर्च करें upresult.nic.in। इसके माध्यम से जो पहला लिंक आपको मिलेगा उस पर आप क्लिक करें और उसके माध्यम से भी आप अपने परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं छात्रों। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया छात्रों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।